टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियोस पाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस लाल बटन पर क्लिक करके, और उसके साथ साथ हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टेक इन्फो इन हिंदी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आपका दोस्त। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसे एटीएम के बारे में जो सोलर एनर्जी से चलता है। फ्रेंड्स, आजकल हम क्या करते हैं, हम जो एजुकेटेड लोग हैं वो क्या करते हैं, एटीएम का यूज बहुत अच्छे से करना जानते हैं, कहाँ पे क्लिक करना है कहाँ पे नहीं करना है वो सभी हम जानते हैं। लेकिन जो अनएजुकेटेड लोग हैं, इंडिया में बहुत सारे हैं, तो उनके उनके लिए जो एटीएम है वो यूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो दूसरों का मदद लेते हैं, दूसरे धोखा भी कर देते हैं। तो ये सबसे जितना है वो छुटकारा उनको मिल जाएगा। ये जो सोलर वाला एटीएम है ये सिर्फ उनके लिए है, वो आराम से पैसे अब इससे निकाल सकते हैं। कोई भी क्लिक या मतलब कोई भी ऐसा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है इस एटीएम के लिए। तो आइए फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ ये एटीएम कैसे काम करेगा, ये कहाँ से आया है, सब कुछ आपको इस वीडियो को देखकर पता चल जाएगा। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए फ्रेंड्स। और एक बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि टेक रिलेटेड जितना भी अपडेट है वो सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, कोलकाता के एक कॉलेज है जिसका नाम है आर्क रिन्यूएबल एनर्जी कॉलेज, वहाँ ये जो एटीएम है सोलर वाला ये वहाँ प्रेजेंट किया गया है, वो भी केंद्रीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हर्षवर्धन के सामने। कॉलेज के चेयरमैन जो शक्ति पदा गन चौधरी हैं, उन्होंने ये प्रेजेंट किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया में 30 करोड़ से ज़्यादा लोग अनएजुकेटेड हैं जिनके लिए ये एटीएम बहुत ही अच्छा है, तो वो बहुत अच्छे से ये यूज़ कर पाएंगे। मैं आपको अब बताता हूँ कि ये एटीएम कैसे काम करेगा। ये एटीएम काम ऐसे करेगा कि पहले आपको अपना जो बैंक अकाउंट है फ्रेंड्स, उसको आधार कार्ड से लिंक करना पड़ेगा। उसके बाद ये एटीएम वहाँ पे रहेगा, आपको जाना है, कुछ भी नहीं करना है, आपका जो फिंगरप्रिंट है वहाँ पे स्कैन कर दिया जाएगा, वहाँ पे आप करिएगा स्कैन। उसके बाद वहाँ पे आपका फोटो दिखेगा, फोटो दिखने के बाद आपका वहाँ से एक आवाज़ आएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, बैलेंस आपको पता चल गया। उसके बाद वहाँ पे अगर आपको मतलब निकालना है पैसा, तो वहाँ पे पैसे का फोटो आएगा, जैसे कि मान लीजिए 100 रुपया या फिर 1000 रुपया या 2000, वहाँ पे फोटो आ जाएगा, उसमें आपको सिर्फ क्लिक करना है। जो भी जितना भी आपको उठाना है, 100 रुपया उठाना है 100 में क्लिक कर दिए, 1000 में उठाना 1000 में, तो बस वो पैसा जो है फिर से फिंगरप्रिंट आपको देना होगा, वहाँ पे वो पैसा निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो एटीएम है काम करता है। लेकिन यहाँ पे वाइटल चीज़ ये है जानने के लिए फ्रेंड्स, कि एक जो नोट है उसको आप एक ही बार निकाल सकते हैं, आप दो बार नहीं निकाल सकते, क्योंकि टच तो एक ही बार होगा, उसके बाद फिंगरप्रिंट देंगे, वो नोट निकल गया। फिर से अगर आपको निकालना है पैसा, तो फिर से आप फिंगरप्रिंट दीजिए, जैसा प्रोसेस है, फिर से आपका फोटो आएगा, फिर से आवाज़ आएगा कि हाँ आपका अकाउंट में कितना बैलेंस है, और फिर से वो नोट आएगा, फिर से आप उसे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये एटीएम जो है काम करेगा। और सबसे बड़ी बात, इसे देखते हुए, ये जो टेक्नोलॉजी निकला है कोलकाता के कॉलेज ने निकाला है, तो इसे देखते हुए बेंगलुरु के एक कंपनी ने इसे देखा और उन्हें बहुत अच्छा लगा, और वो इस चीज़ पे काम करके ये इसे मतलब और भी डेवलप करना चाहते हैं और सभी के लिए ये लाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स दूसरों के साथ शेयर करें, और ये वीडियो अगर पसंद आया फ्रेंड्स तो लाइक करें। देखिए फ्यूचर में शायद ऐसा टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिले। आपको क्या मानना है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। चलता हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।